सो हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल को। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे डीसी नेटवर्क्स, और उसके बाद हम एसी पे जाएंगे। तो हमारा जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है उसको हम अगले 15 या 20 दिन में पूरा के पूरा कवर करने की ट्राई करेंगे। सो आज का जो हमारा डीसी नेटवर्क्स का जो हमारा टॉपिक है, वह सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमारे यहाँ मान लीजिए ये आपका कोई कंडक्टर है, ठीक है। तो ये और ये, इसके कोई दो पॉइंट है, ठीक है। तो इस और इस पॉइंट में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस और इस पॉइंट में जो करंट फ्लो करेगा उसके। मतलब अगर इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर ज़्यादा है तो उसमें करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा, और अगर वो कम कर देते हैं हम तो करंट भी कम फ्लो करेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको आसान तरीके से हम देख सकते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे हमारा जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, I हमारा करंट है, एंड R जो है वो रेजिस्टेंस है। मतलब इस और इस पॉइंट में अगर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा होगा, और अगर कम है तो करंट भी कम होगा। सो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं केवीएल एंड केसीएल को, और उसके साथ ही हम क्लियर करेंगे अपना पोटेंशियल राइज और पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।